Assalamu alaikum, class 6. I hope you all are enjoying good health. This is our geography lesson and today we will learn about the movement of planets. Alright, so move to page number 5 of your textbook. So before starting the new topic, students, upar ek box hai, interesting facts, usko dekhe, isme planet aur star ke baare mein likha hua hai, theek hai, ki kya difference hota hai planet ka aur star ka. A planet is a body in the space that has its own gravitational force and does not emit light. Planets revolve around stars. ठीक है, planet क्या है? वो body जो जिसकी अपनी gravitational force होती है, but वो कोई light emit नहीं करती. ठीक है, और planets जो हैं वो star के around revolve करते हैं. ठीक है, और star क्या होते हैं? Star is a body in the space that has its own light and gravity. It does not revolve around the planet. स्टार क्या है? एक ऐसी बॉडी जो उसकी अपनी लाइट भी है और उसकी अपनी ग्रेविटी भी है. ठीक है, और ये प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व नहीं करते, बल्कि प्लैनेट्स जो है वो स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, सो कम टू द न्यू टॉपिक विच इज द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स. ठीक है, ईच प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम हैज अ यूनिक सिस्टम ऑफ डुअल मूवमेंट. जो भी प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, वो क्या उसकी क्या क्या पोजेस करता है? डुअल मूवमेंट. ठीक है, वन अराउंड द सन एंड द अदर ऑन इट्स एक्सिस. एक वो मूवमेंट जो वो सन के अराउंड मूव करता है, एक वो, और सेकेंड वन क्या है? अपने ही एक्सिस पर भी वो घूमता है. ठीक है, तो दो तरह की जो मूवमेंट है वो प्लैनेट परफॉर्म करता है. ठीक है, बिलो वी डिस्कस द मूवमेंट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स ऑफ आर सोलर सिस्टम. ठीक है, नंबर वन इज मर्करी. मर्करी कंप्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 88 डेज. इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वेरी स्लोली. ठीक है, द लेंथ ऑफ द डे ऑन मर्करी इज 58.6 अर्थ डेज. इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अच्छा स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे दो वर्ड्स जो है वो यूज होते हुए देखोगे. वन इज रेवोल्यूशन एंड द सेकेंड वन इज रोटेशन. ठीक है, रेवोल्यूशन वो टाइम पीरियड है जो प्लैनेट्स अराउंड द सन रिवॉल्व करते हुए जो टाइम लगाते हैं उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं. एंड रोटेशन, जब वो अपनी ही एक्सेस के ऊपर मूव करेंगे तो एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड उन्हें लगेगा उसको हम लोग रोटेशन बोलेंगे. ठीक है, तो मरकरी जो है वो सन के अराउंड उसने अगर एक सर्कल कंप्लीट करना है तो उसको कितने डेज लगेंगे? 88 डेज. और ये जो है बहुत स्लोली रोटेट करता है. ठीक है, अब मरकरी जो है वो अपनी ही एक्सिस के ऊपर अगर उसने रोटेट किया है और कंप्लीट सर्कल उसने कंप्लीट किया है तो उसके लिए उसको 58.6 अर्थ डेज लगेंगे. ठीक है, 58.6 मींस 58 डेज एंड 19 आवर्स. ठीक है, और ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, मतलब इसकी मूवमेंट क्या है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ. ठीक है, देन कम्स वीनस. Venus completes its revolution around the sun in 225 earth days and it's complete its rotation on its axis in 243 earth days. ठीक है, अराउंड द सन अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो एक चक्कर कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करेगा? 225 डेज में. ठीक है, और अपनी ही एक्सिस के ऊपर अगर उसने एक चक्कर कंप्लीट किया है तो उसके लिए उसको 243 डेज लगे हैं. ठीक है, वीनस हैज द स्लोएस्ट रोटेशन पीरियड. इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. और इसकी भी रोटेशन की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ. ठीक है, देन कम्स आर अर्थ. द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365.24 डेज एंड इट कंप्लीट इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स. ठीक है, अब इसकी रेवोल्यूशन के लिए क्या टाइम पीरियड है? 365.24 डेज. और अपनी ही एक्सिस के ऊपर ये एक सर्कल कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करता है? 23 आवर्स एंड 56 मिनट में. ठीक है, एंड अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अब इसकी भी रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ. देन कम्स मार्स. मार्स कंप्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 687 अर्थ डेज एंड इट्स इट कंप्लीट्स इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स एंड 37 मिनट्स अकॉर्डिंग टू द अर्थ टाइम. ठीक है, मार्स को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में 687 डेज लगते हैं और अपनी ही एक्सिस के जो है वो अराउंड मूव करने के लिए वो एक चक्कर कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करता है? 24 आवर्स एंड 37 मिनट्स. ठीक है,
मार्स रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसकी रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये मूव करता है, ठीक है। फिर जुपिटर आता है, जुपिटर कंप्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 11.9 अर्थ ईयर्स, इट कंप्लीट्स इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 9.8 अर्थ आवर्स, ठीक है। सन के अराउंड रिवॉल्व करने में उसे कितना टाइम पीरियड लगता है, एक चक्कर कंप्लीट करने में 11.9 अर्थ ईयर्स, ठीक है, 11.9 साल लगते हैं उसे, और अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करने के लिए उसे कितना टाइम पीरियड लगता है, 9.8 अर्थ आवर्स, ठीक है। इट इज द फास्टेस्ट रोटेशन इन आर सोलर सिस्टम, जुपिटर रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। जुपिटर की रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। सैटर्न कंप्लीट्स इस रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 29.5 अर्थ ईयर्स, इट कंप्लीट्स इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 10.5 अर्थ आवर्स, उसको सन के अराउंड रिवॉल्व करने में 29.5 अर्थ ईयर्स लगते हैं और अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करते हुए उसे 10.5 आवर्स लगते हैं, ठीक है। सैटर्न रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट, इसकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। देन कम्स यूरेनस, यूरेनस कंप्लीट्स इट्स रोटेशन अराउंड द सन इन 84 अर्थ ईयर्स, रेवोल्यूशन उसकी जो है अराउंड द सन, उसको एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए 84 अर्थ ईयर्स लगते हैं, एंड इट कंप्लीट्स इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 18 अर्थ आवर, और अपनी ही एक्सिस के दौरान अराउंड जो है रिवॉल्व करने में उसे कितना टाइम पीरियड लगता है, 18 आवर्स, ठीक है। यूरेनस रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। देन हमारा लास्ट जो प्लेनेट है नेपट्यून, कंप्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 165 अर्थ ईयर्स, ठीक है, अराउंड सन जो है वो उसे रिवॉल्व करने के लिए 165 ईयर्स लगते हैं और अपने ही एक्सिस पे रोटेट करने के लिए उसे 19 आवर्स लगते हैं, ठीक है। नेपट्यून रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और इसकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ नेपट्यून जो है वो रोटेट करता है, ठीक है। सो हेयर इज आवर एंड स्टूडेंट्स, आप सब ने जितने भी प्लैनेट्स की रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है और जो रोटेशन टाइम पीरियड है, ये सब ने लिखना भी है और इसको याद भी करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।